हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और माइंड टेंशन फ्री होंगे। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सही ऐसे चैनल जिसमें आप सबको फिशेज़ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो चलिए, जैसा हर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो आज हम बात करेंगे वाइट स्पॉट्स के बारे में। बहुत से लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि जो इच डिसीज़ कहते हैं, जिसको वाइट स्पॉट हो जाते हैं फिशेज़ के ऊपर, ये ज़्यादातर ठंडी होने की वजह से होते हैं। ये आमतौर पर बहुत से फिशेज़ को डिसीज़ पाए जाते हैं और जिसकी वजह से फिशेज जो है बहुत जल्दी मर भी जाती हैं इस डिसीज़ की वजह से। ज़्यादातर ये बीमारी या डिसीज़ इस तरह से फैलती है कि पानी के अंदर प्रॉपर पानी का क्वालिटी नहीं रहता और जो फूड ऑफ वैरायटी देते हैं फूड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। लैक ऑफ प्रोटीन की कमी होने की वजह से फिशेज़ को वाइट स्पॉट हो जाते हैं और पानी का ठंडे होने से भी बहुत जल्दी वाइट स्पॉट हो जाता है। और अगर दूसरी फिशेज़ को कुछ डिसीज़ है तो इसकी वजह से दूसरी फिशेज़ को भी ये डिसीज़ स्प्रेड होकर, वायरल होकर भी वाइट स्पॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेज़ स्ट्रेस हो जाती हैं, स्ट्रेस होकर फूड नहीं खाती या एक ही जगह बैठी रहती है या बहुत जल्दी मर जाती है या अपने आप को टैंक में घिसती रहती है, ताकि जो तकलीफ़ हो रही है फिशेज़ को उसे छुटकारा पा सके। और ये वाइट स्पॉट जो है, जिसे इच कहा जाता है, बहुत दिनों तक फिशेज़ के अंदर रहती है, बहुत जल्दी नहीं जाती है ये डिसीज़, बहुत लेट से आती है। अगर आप प्रॉपर इसको मेंटेन करें, इसको प्रॉपर केयर करें, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं इस डिसीज़ को। एक बार जब वाइट स्पॉट आ जाए फिशेज़ के ऊपर, तो 3 से 4 दिन तक ये वाइट स्पॉट फिशेज़ के ऊपर से नहीं जाते। इसलिए आपको ज़रूरी है कि इस फिशेज़ का इसका ध्यान रखें कि ताकि फिशेज मरने से बच सके, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, वरना फिशेज आपकी मर सकती है। और विदाउट एनी ट्रीटमेंट फिशेज जो है 2 दिन तक ज़िंदा रहेंगी। अगर आप 2 दिन के अंदर वाइट स्पॉट का जो डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 2 दिन के बाद फिशेज मर जाती हैं ज़्यादातौर पर, इस तरह देखा गया है। इसलिए सबको ज़रूरी है कि 2 दिन से पहले इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कि किस तरह ये वाइट स्पॉट आते हैं और क्यों आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनकरेक्ट टेम्परेचर होता है या बैड वाटर क्वालिटी रहता है, जिसकी वजह से वाइट स्पॉट होते हैं, या न्यू टैंक में लाकर डालते हैं, इंट्रोड्यूस प्रॉपर नहीं करते, इससे भी होता है, और फूड जो है प्रॉपर डाइट फूड नहीं देते, इससे भी वाइट स्पॉट होता है। और जो शिपिंग करते हैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर से या स्टोर से ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, पानी ठंडा हो जाता है दरमियान में, इससे भी फिशेज जो है वाइट स्पॉट हो जाता है। और स्पेशली एनवायरनमेंट से भी हो जाता है, अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, पानी में लाकर डाल दिए, रूम के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हीटर ज़रूर रखें इसको अवॉइड करने के लिए। और आपकी फ़िशेज़ को कैसे, किस तरह मालूम करें कि इस डिसीज़ आई हुई है वाइट स्पॉट और इस डिसीज़ का सिम्टम्स, के इसके साइन क्या है? जैसा कि बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, उनके परों के ऊपर वाइट डॉट्स हो जाता है, और कभी कभी पर जो है एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, वो प्रॉपर जो है फ़िशेज़ स्विम नहीं कर पाती। और ज़्यादातौर पर वाइट स्पॉट फिशेज़ के गिल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रीथ करना, ऑक्सीजन लेना तकलीफ़ होती है, इसलिए टैंक के बाहर आकर ऑक्सीजन लेकर जाते रहते हैं। और अपने आप को प्लांट्स पर या डेकोरेशन के ऊपर या रॉक्स के ऊपर या ग्लास के ऊपर अपने आप को फिशेज जो है रब करते रहते हैं, ताकि इस तकलीफ़ से छुटकारा पाया जाए। उसके पर जो है क्रॉस हुए रहते हैं और फिशेज बहुत ज़्यादा हाइडिंग करते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी फिशेज बहुत ज़्यादा हाइड करती है, क्यों है? इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसके ऊपर वाइट स्पॉट हैं या इस डिसीज़ आई हुई है, और बाहर आकर ऑक्सीजन लेती है। आपके टैंक के अंदर फिल्टर भी प्रॉपर है, ऑक्सीजन का सप्लायर भी है, सब कुछ है, फिर भी फिशेज बाहर आकर ऑक्सीजन लेती रहती है। इसका रीज़न यही है कि फिश को डिसीज़ हुआ है, इस डिसीज़ या वाइट स्पॉट हुआ है, इसका लिए ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करें, वरना फिशेज मर सकती हैं। और इसका ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट यह है कि मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेडिसिन बहुत जल्दी फिशेज को सिक कर देती है, मार देती है। ये शॉर्टकट तरीका है मेडिसिन यूज़ करने का, लेकिन आप नेचुरल से भी आप इसको हील कर सकते हैं। इसलिए ट्राई करें कि नेचुरली हो, जैसा कि हॉट एंड सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट।
इसका इलाज यह है कि एक अलग टैंक रखें, अगर आपके पास अलग टैंक है, नहीं तो उसी टैंक में जो है 30 टेम्परेचर तक रखें, आपका टेम्परेचर सडनली चेंजेस ना करें जिसकी वजह से फिशेज जो है बहुत जल्दी मर जाती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके राइज करें, अगर 27 है तो एक दिन 28 करें, दूसरे दिन 29 करें, इस तरह करके दो दिन से पहले किसी भी तरह 8 घंटे में एक बार टेम्परेचर राइज करते हुए 30 तक टेम्परेचर राइज करें, या ऐसा करें कि 1 डिग्री पर आवर आप बढ़ाएँ, इस तरह करके भी आप टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। जब टेम्परेचर 30 तक पहुँच जाए तो उसमें थोड़ा साल्ट डालें, एक्वेरियम साल्ट जो अलग मिलता है एक्वेरियम स्टोर में, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं, वो लेकर डालें। उसके बाद फिश को उसके अंदर डालें, एक घंटा डेली इस तरह रखें, या अगर टैंक अलग नहीं है तो उसी टैंक में रखें, इस तरह 7 दिन तक, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक इस तरह टेम्परेचर मेंटेन करें और साल्ट डालें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिशेज जो है इस टेम्परेचर को हैंडल करें, अगर टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर रही है, फिशेज जो है बहुत फास्ट स्विम कर रही है, उस पानी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत जल्दी फास्ट स्विम कर रही है, या इधर उधर भाग रही है, या बाहर आने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब यह है फिशेज जो है हैंडल नहीं कर पा रही 30 टेम्परेचर को, ऐसा कर रही है तो 1 घंटा रखकर उसके बाद निकाल दें। इस तरह डेली 7 दिन तक करते रहे तो यह ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर फिशेज हैप्पीली रह रही है उसकी उस टेम्परेचर के अंदर, कुछ दिक्कत नहीं है, तो 7 दिन तक उसी के अंदर रखें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सेपरेट फिल्टर रखें उसके अंदर, या एयर पंप उसके अंदर ज़रूर रखें, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो, फिशेस को कुछ प्रॉब्लम ना हो ब्रीथ करने में। और जैसा मैंने कहा कि ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिशेस किस तरह रिएक्ट कर रही है, अगर फिशेस अलग बिहेव कर रही है 30 टेम्परेचर रखने के बाद, तो उसको 1 घंटे के बाद निकाल दें। अगर प्रॉपरली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, तो इस तरह 7 दिन उसके अंदर रखें। और एक्वेरियम साल्ट ज़्यादा ना डालें, 1 टेबल स्पून पर 4 गैलन यानी 20 लीटर के लिए 1 टीस्पून उतना ही डालें, ज़्यादा भी ना डालें, ज़्यादा डालने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उतना ही डालें। और आपका पानी जो है फिशेस के टैंक के अंदर उसकी कैलकुलेट कर जितनी मिकदार चाहिए उतना ही साल्ट डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। और जब एक्वेरियम साल्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इस बात का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें कि कोई मेडिसिन साल्ट के अंदर ना डालें, क्योंकि अगर एकदम आप सडनली एक्वेरियम साल्ट भी डाल दिए, मेडिसिन भी डाल दिए, तो इससे क्या होता है, फिशेस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। अगर आप एयर पंप भी रखे हुए हैं तब भी फिशेस ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेडिसिन और साल्ट की वजह से अंदर ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिशेस मर जाती हैं। इसलिए दो में से एक इस्तेमाल करें, या तो मेडिसिन इस्तेमाल करें गर्म पानी के साथ, या साल्ट का इस्तेमाल करें। साल्ट का इस्तेमाल करना बेहतर है, 7 दिन तक इसी तरह यूज़ करें। और इसके दौरान 7 दिन के अंदर हर 2 दिन में 25% पानी चेंज करते रहें, और 25% जो पानी चेंज कर रहे हैं उसकी मकदार के हिसाब से साल्ट डालें। ऐसा भी कैलकुलेट करें कि 3 ग्राम पर लीटर साल्ट डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। एवरी 2 डेज 25% पानी चेंज करते रहें, जिससे पानी फ्रेश होता रहे और फिशेस को हील होने में आसानी हो। अगर इस तरह करने से आपकी फिशेस के ऊपर वाइट स्पॉट नहीं गए, तो आप उसके बाद मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल मिलते हैं आपको एक्वेरियम स्टोर में, वो इस्तेमाल करें। टी वाइट स्पॉट करके ट्रीटमेंट मिलता है, जो नॉर्मल एक्वेरियम स्टोर में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद कर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर गैलन 2 ड्रॉप्स डालें, इस हिसाब से डालकर एवरी 2 डेज 25% वाटर चेंज करते रहिए, इसके लिए मेडिसिन के लिए भी। तो 7 दिन तक इस तरह फॉलोअप करें तो क्योर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके पास और कुछ ज़्यादा आइडियाज़ हैं इसके बारे में तो मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं, एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में आप अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।